मॉम, तुम्हें आज डिनर क्यों नहीं किया? पता नहीं भाई, मैंने एक सवाल किया, उस पे जो है उसको गुस्सा आया, मूड खराब करके अपने कमरे में लॉक कर बैठ गई है। आपने उससे पूछा नहीं कि इतनी सी बात पे उसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या फायदा पूछने का? तुम दोनों बहन भाइयों ने आज तक मुझे सीधे मुंह जवाब दिया है, हर बात को गोल मोल कर देते हो। और मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। फिर तो मुझे ये बताओ, तुम एक हफ्ते से उर्वा से मिलने क्यों नहीं गए? उसकी खैरियत मालूम क्यों नहीं की? पहले तो तुम रोज भाग भाग के जाते थे उससे मिलने। हाँ क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरसल मुझे बताओ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या मतलब है डैड? तुम अच्छे खासे समझदार इंसान, तुम कैसे सोच सकते हो कि इस कंडीशन में तुम्हारी बीवी उमेर के साथ घूमने फिरने चली जाएगी? तुमने क्या सोच के उर्वा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? डैड, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ वही बता रहा हूँ। क्या तुम सिर्फ नेगेटिव सोच सकते हो? कोई अच्छी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती? अभी पिछले दिनों तुम इसे मारने की धमकी दे रहे थे कि उर्वा का नाम उसकी जुबान पे भी नहीं आया, और अब तुम उर्वा को उसके पास छोड़ के यहाँ चले आए? क्योंकि मुझे लगता था कि उमेर ही उर्वा के पीछे पड़ा है, लेकिन उर्वा को उमेर के साथ देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि अभी भी उर्वा के दिल में उसके लिए गुंजाइश है। मैं उर्वा को जबरदस्ती उमेर से अलग नहीं करना चाहता,